तो दोस्तों मैं कई तरीके का पुशअप जो आप लोगों को दिखाया, फ्लाइंग पुशअप, क्लैप पुशअप, नॉर्मल सा जो पुशअप होता है, ये सब, तो ये सब मतलब आपको जो है ये मसल को मजबूत करने में बहुत मतलब मदद करेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप सरकार, आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल DSSST ब्लॉग। तो दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग, सब लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। और आज मैं एक ब्लॉग बनाने जाने वाला हूँ। अभी भी मैं सोया ही था तो उठा था थोड़ी देर के लिए, ये ड्रेस को जो है लगाया, तो फिर ठंडी की वजह से फिर कंबल के अंदर घुस गया हूँ। अभी मम्मी जो है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गया है और मैं भी थोड़ा वर्किंग करूँगा। अभी ये जो रेक देख रहे हो पूरा घर में अभी पोछा मारना है थोड़ा सा, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं सुबह जो है फिटनेस के लिए क्या क्या वर्किंग करता हूँ। तो बने रहो वीडियो में, थोड़ा वर्किंग करके फिर मिलते हैं। हे गाइस, अभी देखो मैं थोड़ा वर्किंग करके आ गया हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ पे, अभी मैं एक्सरसाइज करके आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि फिटनेस रहने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो करना पड़ता है। तो देखो वीडियो में, नॉर्मली जो वेट को कम करने के लिए और मसल्स, थोड़ा बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइज आप नॉर्मली घर में कर सकते हो, तो वीडियो में देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं कई तरीके का पुशअप जो आप लोगों को दिखाया, फ्लाइंग पुशअप, क्लैप पुशअप, नॉर्मल सा जो पुशअप होता है, ये सब, तो ये सब मतलब आपको जो है ये मसल को मजबूत करने में बहुत मतलब मदद करेगा। आप अगर काफ़ी दिन से, एक महीना या डेढ़ महीना से ये कंटिन्यू करोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि मेरा मसल्स कितना मजबूत हुआ है, कितना मजबूत। ये करने के लिए दोस्तों आपको मतलब देखो, बॉडी बनाने के लिए एक अलग चीज़ है, बॉडी अब मतलब ज़्यादा दिखाने के लिए, दिखावा के लिए अगर बनाओगे कि आपको कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग करना है तो आप जिम में कर सकते हो, वो अलग बात हो गई। लेकिन आपका फिटनेस को मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली कोई ना कोई मतलब एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको मतलब आपका फिटनेस बढ़िया दिखे, आपको अच्छा दिखे, इसके लिए मैं आपको घर में बिना कोई साधन से आप कैसे आपका फिटनेस को अच्छा दिखाने का मतलब दिखा सकते हो, आपका मतलब फिटनेस कैसे बढ़िया रख सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको ये सब नॉर्मल सा जो एक्सरसाइज ये मैं दिखा रहा था, तो ये पुशअप हो गया। फिर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पेट को, पेट का जो चर्बी है इसको कम रखने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। पेट किसी किसी का देखना पेट इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, पेट में जो चर्बी होता है, इसको चर्बी को कम करने के लिए आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे। अगर आप काफ़ी दिन से ये पेट वाला भी एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो है सिक्स पैक वो भी बनने लगेगा। तो बने रहो वीडियो के साथ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पेट वाला एक्सरसाइज।
तो दोस्तों आज मेरा जो है एक्सरसाइज वाला वीडियो का जो है फास्ट दिन है, तो मैं ऐसे ब्लॉग वीडियो तो काफ़ी बनाता हूँ लेकिन वो घूम घाम के इधर उधर बनाता हूँ तो वो दूसरा चीज़ है। लेकिन जो है फिटनेस के लिए तो मैंने अब पहली बार ये वीडियो बना रहा था, तो मैंने काफ़ी एक्सरसाइज जो बाइसेप्स के लिए और पेट के लिए मैं दिखाया आप लोगों को। तो ये नॉर्मल सा एक्सरसाइज था। अगर आप लोगों को कमेंट आएगा कि ना भाई और वीडियो इसके ऊपर बनाओ फिटनेस के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा आगे और वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए, आप लोगों को और डिटेल्स में ये दिखाने के लिए कि और कौन सा एक्सरसाइज है और कौन सा एक्सरसाइज है जो आपका पैर के लिए और ये मसल्स ट्राइसेप्स या शोल्जर ये सब मतलब काम आएगा। नॉर्मल सा एक्सरसाइज जो बिना कोई साधन का मतलब घर में आप कर सकते हो। तो देखो भाई, कोई अगर आप लोग अगर कोई भी मेहनत अगर दिमाग से मतलब ये सोच लोगे कि मुझे ये करना है ये बनाना है, तो भाई वो आपको 100% एक दिन ना एक दिन आपका सक्सेस हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरा वीडियो काफ़ी देखते हो बहुत सारे, जो है मेरा नया चैनल है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं तो मेरा सब्सक्राइबर लगभग 300 के आसपास या उससे ज़्यादा हुआ होगा, तो मैं देखा था कल परसों जो भी हो उसे मतलब नहीं है। मैं जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ वीडियो बनाने में, तो आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आप लोग बढ़िया रहो, खुश रहो ज़िंदगी में और हेल्दी रहो। बाय।